अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे। इसमें हर टाइप के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ रहेंगे विद आंसर्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें द अपोजिट जेंडर ऑफ एम्पायर। एम्पायर का अपोजिट जेंडर बताना होगा आपको क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी एम्प्रेस। उसके बाद द कॉमन जेंडर इस इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉमन जेंडर है, ना तो वो फेमिनाइन जेंडर में आता है ना ही मस्कुलाइन जेंडर में। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका बी टीचर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डैश मैन इन दिस। तो इसमें आपको करेक्ट डिग्री बतानी है कि कौन से ओल्ड की करेक्ट डिग्री कौन सी होगी। तो इसमें आंसर जो आएगा वो है आपका बी ओल्डेस्ट। हु इज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, एन आएगा, ए आएगा या द आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी ए। वैसे यहाँ पे यू यूज हुआ है और वोवेल से पहले एन लगता है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ जो आ रही है यूजफुल में वो वाई की आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आ लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर बॉय इज लाइकली टू पास। इन दिस सेंटेंस नाइदर रिप्रेजेंट एन एडजेक्टिव। यहाँ पे एक सेंटेंस है नाइदर बॉय इज लाइकली टू पास। इस सेंटेंस में जो नाइदर वर्ड यूज हुआ है इसमें कौन सा एडजेक्टिव बता रहा है ये। तो इसका आंसर जो है आपका वो है बी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी लिव्स डैश ट्रीज। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताना है कौन सा यूज होगा, ऑन, इन, एट, अपॉन। तो इसमें आएगा ए मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। He is dash most intelligent boy of the class. इसमें आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा आपको। तो इसमें द आर्टिकल आएगा He is the most intelligent boy of the class. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है He exclaimed with dash I have won the match. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी He exclaimed with joy I have won the match. Which of the following is not a adjective? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा है जो कि एडजेक्टिव नहीं है। तो इसमें है ब्रिलियंट, सोरो, इंटेलिजेंट, काइंड। तो तीनों तो आपके एडजेक्टिव हैं, बी वाला जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सौरव, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव में नहीं आएगा। आई वॉज डैश बाय माय अंकल। इसमें करेक्ट वर्ड है आपका बी आई वॉज ब्रॉट अप बाय माय अंकल। कमला इज अ वेरी हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल नन ऑफ दिस। तो इसका आएगा बी हॉस्पिटेबल। उसके आई स्टूडेंट इज लाइक्ड बिकॉज ऑफ हिस ब्रेवरी पंक्चुअलिटी ऑनेस्टी शाइनेस। एक स्टूडेंट्स को हम लोग लाइक कर सकते हैं, मतलब एक स्टूडेंट पसंद किया जा सकता है उसकी किस आदत की वजह से, बहादुरी की वजह से, पंक्चुअलिटी की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से या शाइनेस की वजह से। तो इसका है आंसर बी पंक्चुअलिटी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डैश रन वेरी फास्ट। जब मैं छोटा था, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही आएगा। तो इसमें है आपका बी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड रन वेरी फास्ट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एक्टेड डैश माई एडवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी अपॉन ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इंसिस्टेड डैश वॉचिंग टीवी। प्रीपोजिशन बताना है कौन सा आएगा इसमें। तो इसका बी आंसर करेक्ट है द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन वॉचिंग टीवी। ही इज नॉट ओनली फुलिश डैश ऑब्स्टिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। इसके ही इज अ गुड बॉय इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव इज। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए गुड। उसका दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, ए एन और द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हिंदी इज पॉपुलर लैंग्वेज। इसमें भी आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा। तो इसमें बी आंसर जो है करेक्ट है ए हिंदी इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ही डैश टू दिल्ली यस्टरडे। इसमें आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म आएगी, हैव गॉन, वेंट, हैज गॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कलेक्टिव नाउन। कौन सा ऐसा है जो कि कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क, फ्लीट, कॉटन, शुगर। तो इसमें आंसर बी करेक्ट है आपका फ्लीट। फ्लीट कहते हैं कि कोई भी अगर ग्रुप शिप्स का ग्रुप होगा तो उसको फ्लीट कहेंगे, या फिर कोई ऐसी व्हीकल या कोई ऐसी चलने वाली चीज़ जो एक साथ ग्रुप में चलती है तो वो फ्लीट के अंडर में आता है। तो इस वजह से ये आपका कलेक्टिव नाउन है, बाकी सब जितने भी हैं वो सिंगल नाउन है, मिल्क, कॉटन, शुगर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मटेरियल नाउन।
कौन सा ऐसा है जो कि मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर्ड ब्रास पाइटी होप, तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका बी ब्रास। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका डी ऑल ऑफ दीज, बर्थ, ऑनेस्टी, एयर। इन तीनों ही चीज़ों को हम लोग टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं, इसलिए ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। द प्लूरल ऑफ वाइफ इज, वाइफ का प्लूरल क्या होगा, तो इसमें आएगा बी वाइफ, एफ हट के वी लग जाता है और एस, तो वाइफ हो जाएगा। मैं द सिंगुलर ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ्स का क्या होगा, तो यहाँ पे वी हट के आपका एफ लग जाएगा, तो उसका हो जाएगा बी वुल्फ। द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका इसमें बी ऑक्सन। द प्लूरल ऑफ कैटल, कैटल का प्लूरल क्या होगा, तो ये कैटल का प्लूरल कैटल ही रहता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी आपका कैटल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिव फॉर्म ऑफ सारा विल हेल्प माई सिस्टर इज, इसकी आपको पैसिव फॉर्म बतानी है, एक सेंटेंस दिया हुआ है सारा विल हेल्प माई सिस्टर, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, तो इसका आंसर है बी माई सिस्टर विल बी हेल्प्ड बाई सारा। उसके बाद द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ताजमहल वॉज सीन बाय द विजिटर्स, आपको इसमें एक्टिव फॉर्म बतानी है सेंटेंस की, ताजमहल वॉज सीन बाय द विजिटर्स, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होगी, तो इसका आंसर है बी द विजिटर्स सॉ द ताजमहल। द इनडायरेक्ट ऑफ शी सेज राहुल सिंग्स वेल, इसकी आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, शी सेज राहुल सिंग्स वेल, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर है बी शी सेज द राहुल सिंग वेल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ मूव राउंड डैश द सन, इसमें आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल आएगा द अर्थ मूव राउंड द सन। बीरबल वॉज डैश ऑनेस्ट मैन, तो इसमें जो आएगा आपका बी बीरबल वॉज एन ऑनेस्ट मैन। चेन्नई हैज डैश यूनिवर्सिटी दैट इज वेल नोन, तो इसमें आएगा आपका ए चेन्नई हैज अ यूनिवर्सिटी दैट इज वेल नोन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एग्री डैश हिम, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विद आई एग्री विद हिम। द एडजेक्टिव ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ब्यूटी जो है तो इसमें आपका आएगा बी ब्यूटीफुल। ऑल मैन आर मॉर्टल, इन दिस सेंटेंस ऑल इज एन एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पे ऑल इस सेंटेंस में ऑल वर्ड जो यूज हुआ है वो कौन सा एडजेक्टिव बता रहा है, तो आएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद द एडजेक्टिव ऑफ गुड, गुड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो इसमें आएगा आपका बी बेस्ट। क्लास इज, क्लास जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो क्लास जो है स्टूडेंट्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास कहा जाता है, तो इसका जो आएगा वो आपका बी कलेक्टिव नाउन। द सिंगुलर ऑफ हाफ, हाफ का सिंगुलर, सिंगुलर क्या होगा, तो इसमें आएगा आपका बी। द सिंगुलर ऑफ वुमेन, वुमेन की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, तो ई हट के यहाँ पे ए आ जाएगा, तो डब्ल्यू ए एम एन वुमेन।